उत्पीड़न दिवस मनाया। कांग्रेस ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में रायपुर में भी महिला कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम सहित महिला पदाधिकारी शामिल हुई। विरोध प्रदर्शन में केंद्र सरकार से कठोर कानून की जगह जहां मांग की गई, वहीं छत्तीसगढ़ में महिला उत्पीड़न के मामले को रोकने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया गया। देश में जिस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार बढ़ा हुआ है, महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, बच्चे आज सुरक्षित नहीं है, कदम कदम पे डर और भय बना हुआ है। ये देश के जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, वहाँ पे अधिकतर सुनने को मिलता है। खबर कोंडा गांव से है, जहां राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने महिला उत्पीड़न के संबंधित मामलों की सुनवाई की। जिला कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में महिलाओं से जुड़े 6 मामलों की सुनवाई हुई है। उत्पीड़न से संबंधित मामलों में जिले के 5 और नारायणपुर जिले का 1 मामला शामिल था। हमारे पास लगभग 3 मामलों की हम सुनवाई कर चुके हैं और बाकी मामलों की भी सुनवाई अभी पूरी हो जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि महिलाओं के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय ना हो सके, परंतु तो हमारी यह भी कोशिश होती है कि हम पुरुषों के साथ भी अन्याय ना होने दें। दोनों के बीच सामंजस्य का रास्ता बनाने की हमारी कोशिश होती है। यदि सहमति से रास्ता निकलता है तो हम समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं, और यदि सहमति से नहीं होता है तो फिर उनके खिलाफ हर तरह के एक्शन लेने